वेलेंटेज यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेज, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के मीनाक्षीपुरम में आज सुबह प्रेमी ने एक महिला की चाकू से गर्दन काटने का प्रयास किया। गले के बीच में लगे चाकू से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। तुरंत ही उसे पास से स्थित एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। महिला ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लिहाजा पुलिस ज्यादा कुछ नहीं जान पाई है। इतना जरूर पता चला है कि चाकू मारने वाले का नाम राहुल है और वह कसरुखेड़ा का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक राहुल के मीनाक्षीपुरम में रहने वाली निशा उप मोहसिना से संबंध है। मोहसिना के दो बच्चे हैं। किसी बात पर अनबन होने के कारण आज राहुल ने मोहसिना का गला रेतने की कोशिश कर डाली। यह वारदात मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के घर के निकट उस वक्त हुई जब मोहसिना कहीं जा रही थी। फिलहाल पुलिस राहुल की धरपकड़ में लग गई है। उसकी तलाश में उसके कसरुखेड़ा स्थित घर पर भी दबिश दी गई है। इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी रूपाली चौधरी ने यह जानकारी दी। उसका लड़का, तो मैंने फिर जाकर पता किया कि उसका हुलिया ऐसा है, मतलब जिस घर में रहते थे रेंट पे। मैंने कल शाम में वहाँ जाकर पता किया, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। तो मैंने उसका हुलिया पूछा कि वो ऐसा लगता है क्या लड़का, उन्होंने कहा क्या पूरी जानकारी। आज सुबह सूचना मिली थी कि एक महिला की जो है धारदार हथियार से उसके गले पर वार किया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस जब पहुंची तो महिला को सर्वप्रथम एडमिट कराया गया। उसके बाद जानकारी ये हुई है कि महिला निशा और मोहसिना परीक्षित लड़की रहने वाली है। किसी बात पे इसका विवाद इसके साथ कार्य करने वाली एक महिला और उसके बेटे के साथ हुआ है। कारणों की जानकारी की जा रही है और तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।